नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो हाई किम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर सड्डा। एंड गाइस, यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूछा जाता है, दैट इज रोलिंग, फोर्जिंग, एक्सट्रूजन एंड वायर ड्रॉइंग। ये चार प्रोसेस हैं जो आप लोगों की मेटल फॉर्मिंग के अंदर आती हैं। याद रखिएगा मेरी बात, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ मेटल फॉर्मिंग के उन चार प्रोसेस के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है। और आज हम लोग डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल के साथ, अलॉन्ग विद दैट आप लोगों के जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, जहां पर आप लोगों को टेक्निकल विद डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल दोनों देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आइए गाइस, बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग आगे। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर चार प्रोसेस, आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू समझाने की मैं कोशिश करूंगा। गाइस, सबसे पहले आप इस प्रोसेस को देखिए, यहाँ पर ऊपर रोलर, नीचे रोलर और बीच में आपका वर्क पीस, ग्रीन कलर का जो ब्लू कलर का दिख रहा है कि आपका वर्क पीस है। रोलिंग प्रोसेस बेसिकली आप लोगों की थिकनेस को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर आप किसी भी मटेरियल की थिकनेस को कम करना चाहते हैं, उसके लिए दो रोलर के बीच में आपको मटेरियल को रखना पड़ता है और उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं, जिससे इसकी थिकनेस कम होती है। गाइज, रोलिंग में कोल्ड रोलिंग वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मटेरियल देता है, राइट। अगर मैं बात करूँ रोलिंग की, तो डे टू डे लाइफ में आप लोगों ने गन्ने का जूस ज़रूर पिया होगा, और गन्ने के जूस की जो मशीन है जिसमें दो रोलर्स होते हैं और उनके बीच में गन्ना लगाया जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस जो आप देखते हो। और उसी में अगर गन्ने की जगह मेटल को लगा करके उसको इस तरीके से थिकनेस उसकी कम करते हैं, उसी को हम रोलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से यहाँ पर इस प्रोसेस की, तो यहाँ पर देखिए जो रेड कलर का दिख रहा है, दिस इज़ योर वर्क पीस, राइट। हम लोग इसे कंप्रेस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो लोअर डाई है वो फिक्स्ड है, अपर डाई इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रही है। आप इसको मल्टीपल हैमरिंग के थ्रू मल्टीपल टाइम्स आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप लोग जिस तरीके से उसमें हैमर एक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ किया जा रहा है, हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू भी आप इसे कंप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोर्जिंग की प्रोसेस बोलते हैं। आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में लोहारी का काम देखा होगा, जो लोहार होता है पहले लोहा गर्म करता है। हम लोगों ने कहावत भी सुनी है कि जब तक लोहा गर्म ना हो तब तक हथौड़ा नहीं मारना चाहिए, और हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। तो ये जो लोहा गर्म होने के बाद हम हथौड़ा मारते हैं, वो प्रोसेस आपकी फोर्जिंग की प्रोसेस कहलाती है। एंड गाइस, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, अगर मैं आपको बताऊं डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आप लोग नहाने धोने के बाद आईने के सामने बैठते हो, सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो आप गोरे होने की क्रीम लगाते हो, उसके लिए जो ट्यूब यूज़ करते हो, उस ट्यूब का एग्जाम्पल लेना। आप लोग सुबह सुबह ब्रश करते हो, ब्रश के लिए टूथपेस्ट, ट्यूब से टूथपेस्ट को जो बाहर निकालते हो उसका एग्जाम्पल लेना। आप लोगों के जब भी कभी कमर में मोच आ जाती है और मूव या वॉलनी का आप लोग ट्यूब को कंप्रेस करते हो और उससे जो मटेरियल निकलता है, इन द सेम प्रोसेस अगर मैं आप लोगों को बात करूँ कि जो आप लोगों की कर्टन रॉड्स वगैरह उनको बनाने के लिए हम लोग इस तरीके की डाई का यूज़ करते हैं, यहाँ पर मेटल है, मेटल को जैसे ही आप कंप्रेस करोगे, देखो इस तरह मेटल ये बाहर की तरफ आगे आने लग जाएगा, राइट। और ये बिल्कुल शेप में आता है। आप हॉलो ट्यूब्स और सॉलिड ट्यूब्स आप इससे बना सकते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रूजन की प्रोसेस बोलते हैं। और बचपन में आप लोगों ने च्युइंगम तो खाया होगा, और च्युइंगम खाने के बाद च्युइंगम को इस तरह पकड़ के खींचा होगा। तो गाइस, जब भी कभी आप लोगों को वायर बनानी होती है, तो आप क्या करते हो, एक मेटेलिक जो आपकी वायर है या फिर आपके पास अगर मेटल है, आप उसको पकड़ के खींचते हो विद द हेल्प ऑफ द डाई, और जब आप डाई से खींचते हो तो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है और डायमीटर डिक्रीज होता है, और वो वायर के तौर पे आप लोगों का बनने लग जाता है। ये चारों प्रोसेस आपकी मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस होती हैं। गाइस, डे टू डे लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेटल फॉर्मिंग की प्रोसेस का सबसे बेस्ट जो यूज़ है और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, वो ये लगती है कि इसमें मेटल लॉस नहीं होता, मतलब यहाँ पर वेस्टेज ज़ीरो होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू ज़ीरो होता है। अब गाइस, जब भी कभी मेटल का वेस्ट नहीं होगा, आप पूरे के पूरे मेटल का यूज़ कर पाएंगे और अपने डे टू डे लाइफ की चीज़ों को आप बना पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, आप लोगों ने क्रेन में ऐसी हुक देखी होगी, राइट। ऐसी जो हुक होती है वो किससे बनाई जाती है, मेटल फोर्जिंग से बनाई जाती है। जो प्लेट देखी होंगी, शीट्स देखी होंगी, जो टीन सेट भी होते हैं ना, वो सब किससे बनाए जाते हैं, रोलिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। कर्टन की रॉड्स वगैरह हो गई, जो एल्यूमिनियम रॉड्स वगैरह होती हैं, वो किससे बनाई जाती हैं, एक्सट्रूजन से बनाई जाती हैं। और जितने भी आप वायर्स वगैरह देखते हैं, मतलब जो आप इलेक्ट्रिकल वायर भी देखते हो, वो सारी चीज़ें भी आपकी किससे बनाई जाती है, वायर ड्रॉइंग से बनाई जाती है। तो ये चार प्रोसेस हैं जिसमें पूरा का पूरा, पूरा तो नहीं बोलूँगा, 80% मेटल फॉर्मिंग आता है। फिर उसके बाद शीट मेटल ऑपरेशंस वगैरह भी हैं, ड्राइंग है, डीप ड्राइंग है, राइट, जिसमें आप कटोरी बनाते हो, ग्लास बनाते हो, ऑल दीज आर मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इन सब का यहाँ पर यूज़ होता है। अब गाइस, एक एक रोलिंग के अंदर अगर मैं आपको रोलिंग पूरी पढ़ाने आऊँ, तो मुझे एटलीस्ट 20 घंटे चाहिए।
कम से कम 20 घंटे, और मैं पूरी रोलिंग आप लोगों को समझा सकता हूँ कि किस किस तरीके से रोलिंग होती है। इवन आप खाना खाते हो, खाना खाने के लिए जब मम्मी खाना पैक करती हैं उसमें क्या रखती हैं, सिल्वर फॉइल, वो भी किससे बनाई जाती है, आपकी रोलिंग प्रोसेस से बनाई जाती है, राइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लोग देखते हैं। फिर एक्सट्रूजन के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से एक्सट्रूजन किया जा सकता है, फोर्जिंग के टाइप्स क्या हैं, किस किस तरीके से फोर्जिंग की जा सकती है, वाई ग्रोइंग कैसे की जा सकती है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत डेप्थ में आप लोग समझ सकते हो। अब गाइस अभी तो मैंने आप लोगों को इंट्रो दिया सो दैट आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट बने, लेकिन अगर आप लोग ये सारी की सारी चीज़ें समझना चाहते हैं देन गाइस यू कैन जॉइन आर बैच, और यहाँ पर ये सारे बैचेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। वो जो मोटिवेशन था वो मैंने हटा दिया, रीज़न उसका बता देता हूँ, आप लोग ऐसे ही मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको मोटिवेट करने की, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसमें आया जहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि गाइस SSC JEE का जो फाउंडेशन बैच है वो भी आप लोगों का चल रहा है, साथ में JKSSB का भी बैच चल रहा है। सो यू कैन जॉइन एनी ऑफ द बैचेज, और वहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष रहूँगा, और सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मिलकर सिलेक्शन लेंगे। और अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं सर सिलेक्शन लूँ और मुझे टेक्निकल भी समझना है, नॉन टेक्निकल भी समझना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, मुझे ई बुक्स भी चाहिए, उन सब के लिए है महापैक, राइट। आप इस महापैक को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप किसी से भी जा सकते हैं। जब भी कभी आप लोग किसी भी बैच में इनरोल करें यूज़ करें कोड Y166 का, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। सो जस्ट गो एंड हैव दैट बैच, और फिर उसके बाद ज़बरदस्त तैयारी करो, क्योंकि YT पे तो मैं बहुत ही कम टाइम के लिए आ पाता हूँ, लेकिन पेड सेशंस मेरे बैक टू बैक लगे होते हैं सुबह से रात तक। तो गाइज जाओ जा करके देखो, कॉन्सेप्ट्स बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और सिलेक्शन लो, बस इतनी सी प्रोसेस है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला सेशन, अगर अच्छा लगा है तो गुलाबी दिल के साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।